बैंकों के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल किया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन यूनिट के बैनर तले महानगर में रैली निकाली, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव UPN सिंह ने बताया कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यह रैली निकाली गई है। महंगाई एवं निजीकरण पर रोक लगाई जाए, पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए और टेम्परेरी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव UPN सिंह ने कहा, रैली निकाली गई है। प्रमुख मुद्दा जो हमारा जो है, बैंक का निजीकरण न किया जाए, बैंक का निजीकरण न किया जाए और पुरानी पेंशन बहाली की जाए, जो टेम्प्रोरी कर्मचारियों का नियमित किया जाए, जो है प्रमुख दलों का यही है। हमारा नाम UPN सिंह। यह पूरे आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन, पूरे देश स्तर पर आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन में 20 करोड़ करीब मजदूर जगत के लोग हैं हड़ताल पर, और बैंकिंग में भी पूरे हड़ताल पर लोग हैं। आज जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश किए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है और सब पर हमले हो रहे हैं मजदूर जगत पर, उसके विरोध में है। और 12 सूत्री मांग आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन की और 10-12 मांग बैंकिंग सेक्टर के लेकर के हम लोग हड़ताल पर हैं। बैंकिंग सेक्टर के क्या मांगे? हमारी मांगे यह है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की मांगे हैं कि महंगाई पर रोक लगाया जाए, निजीकरण रोका जाए, विनिवेश जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बंद किया जाए, जो गैर इनकम टैक्स है उनको 7,500 पर मंथ दिया जाए, और जो पुरानी बैंकिंग के अभी सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है समझ लिए, और जो भी सेवा जगत पे हमले हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, पेंशन की बहाली की जाए और सबको एक निश्चित पेंशन दिया जाए, उसके अलावा बैंकिंग में 5 डेज बैंकिंग लागू किया जाए, और जो बैंकों में निजीकरण की साजिश कर रही उसको बंद किया जाए, और जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं अभी मर्जर हुआ फिर निजीकरण की बात है, इसको किसी भी हालत में टॉलरेट किया जाए, पेंशन अपडेशन होगा लागू किया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लेकर के हड़ताल पर हैं।